मेरे हस्बैंड मेरी लाइफ लाइन, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ। पार्टी बदल लिया साला, ये सच्चाई है। नमस्ते, सबसे रिक्वेस्ट है कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है और सब्सक्राइब कर लो प्लीज। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ प्लीज, ताकि मेरे पति की क्या बोला तूने थोड़ी हेल्प हो सके, क्योंकि हम लोग घर पे ही बैठे हैं, कोई काम करने वाला फिलहाल है नहीं और कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर रहे। सारे आ रहे हैं, न्यूज़ वाले सब आ रहे हैं, मुँह के चले जा रहे हैं, सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें हमारी थोड़ी सी। ये मेरे पति हैं, मेरे हस्बैंड मेरी लाइफ लाइन। अब तो सर बोल दे भोसड़ी, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ, यही सच्चाई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो मैं रंजीत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल राजपूत रंजीत ब्लॉग में। तो एक नया सनसनी खबर है, आप सभी को मालूम होगा आजकल जहां खोलिए न्यूज या वगैरह हर जगह आपको यही दिखेगा, सीमा हैदर। तो आज एक मेरे पास भी वीडियो आई है ग्रुप में, जो कि सीमा हैदर ने खुद रिकॉर्ड करी है एक चैनल के लिए। उन्होंने बताया कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे पति नहीं कमाते हैं। तो ये एक दिखाता हूँ, और सबसे बड़ी अपडेट बता दें कि फिलहाल फिर से दोबारा सीमा हैदर को एटीएस की टीम ने ग्रेटर नोएडा एटीएस की टीम ने ले गई है, फिर से उठा के उन्हें, और उनसे सारी जाँच पड़ताल होगी कि आखिर वो क्यों आई, फोन्स वगैरह मिले उनके पास से 3-4, और नेपाल के थ्रू कैसे इन सबका, क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में, आइए सुनवाते हैं हम सीमा हैदर की बात, वो क्या कहना चाह रही हैं आप लोगों से, चलिए देखें। और एक दिन ये सच्चाई सबके सामने आएगी, क्योंकि न्यूज़ वाले अलग अलग सवाल कर रहे हैं, जो मैं अंग्रेजी थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं बोल पाती, मैं भी थोड़ी थोड़ी लाइनें बोलती हूँ। रही बात कंप्यूटर की, तो मैंने कंप्यूटर जिंदगी में चलाया या छुआ तक नहीं है, ना लैपटॉप, जिंदगी लैपटॉप देखा भी नहीं है जिंदगी। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। मैं तो हाँ फोन अच्छे से चला लेती हूँ, बहुत अच्छे से फ़ोन चला लेती हूँ, और जो हिंदी बोल लेती हूँ वो इनकी मोहब्बत है। रही बात इस्लाम की, और सब चीज़ें मुझे पता है, पैगम्बरों के बारे में, नबियों के बारे में, नमाज के बारे में, रमज़ान के बारे में, सब पता है मुझे। पर कौन है, कहाँ से आते हैं? मैं कहती नहीं, क्योंकि मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, यही रीज़न है, मैं कुछ नहीं कह रही। प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, ताकि हमें थोड़ी सी इनकम हो सके इनकी, और हम अच्छे से रह सकें। अभी तक हमारा केस चल रहा है, तो अभी लोगों को मैं, ये जो मुस्लिम लोग कुछ मेरे बारे में वीडियो बना रहे हैं, सुबह भी एक आंटी की वीडियो देखी मैंने, बहुत बुरे तरीके से मेरा नाम कह रही थी। कहने दो, उनका भी बनता है कि इस्लाम से मैं हिंदू धर्म में आई हूँ, तो गुस्सा उनका बनता है। फिर भी उनका धन्यवाद करूंगी उस आंटी का, कि आपने इतनी नफ़रत दिखाई मेरे बारे में। पर मुझे किसी मुस्लिम से कोई नफरत नहीं है, और ना ही किसी हिंदू से कोई इतराज़ है। हिंदू धर्म से सब मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मुस्लिम भी कर रहे हैं, पर कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो मेरे खिलाफ़ हैं। और रही बात पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तान की मैं बेटी रही हूँ, इतना गलत मत बोलो मेरे बारे में, मैं भी औरत हूँ, मैं भी दिल रखती हूँ, कुछ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। न्यूज़ वाले मुझे चढ़ा चढ़ा के गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात सिम और फ़ोन की, तो मेरे बच्चों के फ़ोन थे, उन्हें मैं सिम चलाने की इजाज़त नहीं दे सकती थी, और सपोर्ट से वो नेट चलाते थे, क्योंकि कराची में पाकिस्तान में 7 दिन का पैकेज होता है, 30 GB मिलते हैं उसमें, तो वो बहुत बड़ा, 7 दिन में हम खर्च भी नहीं कर पाते थे, 3-3 फ़ोन वाले चलाते थे। तो और रही बात आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड जो आईडी कार्ड मेरा था, एक मेरा, एक मेरे पापा का, और एक जो मेरे पति हैं एक्स उनका था, कोई 3। अब तो सच बोल दे भोसड़ी, आईडी कार्ड मेरे नहीं है, मेरा एक ही आईडी कार्ड था। और एज की बात है, तो ये नॉर्मल है, हर कोई 3 से 4 साल कम अपनी एज लिखवाता है आईडी कार्ड में, मेरा भी यही था, ये पाकिस्तान में आम चलता है। तो लोग इन बातों को गलत गलत करके कह रहे हैं, ऊपर वाला जानता है सच क्या है, और एक दिन सबके सामने भी आएगा। धन्यवाद, तुम भी बोलो धन्यवाद। जनता माफ नहीं करेगी,